जनपद टिहरी घनसाली विधानसभा में बाइक हादसे में दो की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीपीपी मोड के प्रबंधन की पोल खुल गई है। घायलों को कहीं भी नहीं मिल पाई है 108 सेवा, जिसके बाद परिजनों ने मरीजों को टाटा सुमो से हॉस्पिटल पहुंचाया। जानकारी आने तक घटना स्थल पर 108 सेवा ढाई घंटे बाद पहुंची। आपको बता दें कि 4 बजे के करीब दो बाइक सवार युवाओं की सैंदुल के बाईपास में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों द्वारा 108 को मौके से फोन किया गया, लेकिन वहां से उन्हें गाड़ी उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। तो वहां के स्थानीय लोगों ने 4 घायलों में एक लड़की भी थी, जिसको स्थानीय सामुदायिक केंद्र बिलेश्वर पहुंचाया। उन घायलों में एक युवक जिसका नाम अंकित है और वह चमियाला का रहने वाला है, जिसकी हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है। उसके सिर में चोट लगी है, डॉक्टरों ने अंकित को बड़े हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। दूसरा युवक रॉबिन सिंह पदोखा निवासी के बाएं पैर में फ्रैक्चर तथा सिर में चोट लगी है। उसे समय पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण टाटा सुमो से रेफर किया गया, जबकि इस युवक का बायां पैर पूरी तरह से जख्मी और फ्रैक्चर है। वहीं लड़की को 1.5 घंटे बाद 108 एम्बुलेंस की सुविधा नसीब हुई। दुर्घटना के बाद दोनों ही मरीज किस तरह अपने उपचार के लिए तड़प रहे हैं, ये बताने के लिए उस मरीज का ये वीडियो ही काफी है। वीडियो में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब मरीज की हालत ज्यादा खराब होती है तो एम्बुलेंस में मौजूद तीमारदार 108 के पूर्व टेक्नीशियन स्टाफ पूनम को बोलती है कि कुछ तो इलाज कीजिए, लेकिन किसी ने भी तीमारदार की एक नहीं सुनी और मरीज कर्राहता चिल्लाता हॉस्पिटल तक पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्री।